नवाज शरीफ का इंटरव्यू छापने वाले पाकिस्तान के सबसे पुराने अखबार डॉन को बैन कर दिया गया है। बलूचिस्तान प्रांत के ज्यादातर हिस्सों, सिंध प्रांत के कई शहरों और सभी सैन्य छावनी में अखबार के वितरण पर रोक लगा दी गई है। न्यूयॉर्क पुलिस ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पहली बार एक पगड़ीधारी सिख महिला अफसर की नियुक्ति को मंजूरी दी है। पहली पगड़ीधारी सिख महिला पुलिस अफसर गुरसोच कौर की नियुक्ति पुलिस डिपार्टमेंट में सहायक पुलिस अफसर के रूप में हुई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास खाली कराए जाने के आदेश के बाद मायावती के बंगले के बाहर काशीराम यादगार विश्राम स्थल का बोर्ड लगा दिया गया है। इसे बंगला बचाने के लिए मायावती के नए दांव के रूप में देखा जा रहा है। नेपाल भारतीय दूतावास के फील्ड ऑफिस को बंद करने की तैयारी कर रहा है। बिहार में कोसी नदी में बाढ़ के बाद नेपाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सड़कों पर वाहन के परिचालन को मंजूरी देने के लिए 2008 में स्थायी तौर पर फील्ड ऑफिस स्थापित किया गया था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने रावलपिंडी में स्थित कृष्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण को और विस्तार देने के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रावलपिंडी और इस्लामाबाद जैसे शहरों में केवल कृष्ण मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जो श्रद्धालुओं के लिए खुला है।